मुख्यालय प्रदेश मुख्यालय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक यहाँ की गई, और जहाँ पर इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे, जहाँ पर संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रम और योजनाओं को लेकर चर्चा और समीक्षा की गई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम मोदी जी के फैसले को सही ठहराकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रखे गए हैं और 4 तारीख को सुनवाई है। साथ ही कहा कि जनता को विश्वास दिलाते हुए हम जनता के लिए बहुत जल्द आएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी मिड टर्म का कार्य देख रहा हूँ, जल्द आंशिक बदलाव होंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी है और नोटबंदी को सही ठहराने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया, और ये उन लोगों पर तमाचा है जो नोटबंदी को लेकर प्रश्न खड़े करते थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी निकाय चुनाव को समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस याचिका को भी सरकार ने हमारे स्वीकार कर लिया है और 4 तारीख उसमें हियरिंग में लगी है।